राम कर माझी रे ले चल रे नैया माझी राम करे रापा तारा सब सागर का कोई जाने ना चल तेरे ना की जीवन है युग नाम का नाम भैया नैया राम करे माझरे करेगा पार नैया राम करेगा ससी बहू देवर जी कचहरी से आ गए लेकिन बड़े भैया क्यों नहीं आए गोवर्धन दादी के यहाँ कीर्तन है ना जहाँ भी कीर्तन हो वही बड़े भैया हाजिर मुझे अच्छा नहीं लगता सर बूढ़ी दादी पढ़ने चल शाम के वक्त फिर कहाँ गई घर में जरा भी पाँव निकले नहीं दिखते जाओ हाथ मुंह धोने के लिए पानी लाओ लाती दरवाजा बंद करके क्या करें करूंगा क्या भगवान का नाम ले रहा था भैया ओ पितु भैया देखो तो इस वक्त कौन पुकार रहा है पितु भैया पितु भैया है क्यों उस महिला में कल्लू का बाप मर गया है और घाट पे जाने के लिए कोई नहीं है इसलिए नीलू भैया ने बुलाया है वो तो घर में नहीं है जी शाम के वक्त तुमने मुझसे झूठ बोला पड़ी आई है भिस्टर की नानी अरे पति के लिए झूठ बोलने में पाप नहीं पुण्य होता है पुण्य लेकिन बड़े भैया ने बुलवा भेजा था बुलवा भेजा था तो उनके बुलवाते ही मैं चला जाऊं दिन भर कचहरी में कलम घिसने के बाद ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा ये बातें तो बड़े भैया जैसे बेकार आदमी को ही अच्छी लगती है कहीं कीर्तन कहीं कोई मरा किसी को हैदा किसी को कुछ इसलिए तो गांव वाले उन्हें देवता की तरह पूछते क्या कहते हो सीधे घर न लौटकर इस वक्त घाट पर चले गए क्या करते बेचारे शीतला मैया की दया हुई थी बुद्धि के साथ जाने के लिए कोई राजी ना हुआ इसीलिए नीलू भैया अच्छा ठहरो मैं आगे धोती लाती हूँ क्या कर रही हो पुन्नु सवाल लगा रहे अच्छा ये लो उन्हें जल्दी घर लौटने के लिए कह देना भाभी वो भैया की धोती क्यों ले गया हर बात तुझे बतलानी होगी बड़ी बहू चावल पक गए चल मैं आती Thank you.
अच्छा तो नीलू भैया मैं चलता हूँ। अच्छा विराज, तुम्हारी अकल तो मारी नहीं। क्यों? इस तरह दरवाजा खोलकर सो रही थी, अगर चोरी हो जाती तो। यहाँ कौन सी अनमोल चीज खड़ी है जो चोरी हो जाती? क्यों? तुम जो हो। ये सुन, मुझे पूछती हूँ मेरी अकल को क्या हो गया है, मैं पूछती हूँ तुम्हारी अकल को क्या हुआ। वाह, मैंने क्या किया? कीर्तन में जा रहा हूँ कहकर वही सुबह के निकले हुए और अब इतनी रात के मूर्ति जला कर लौटे। आखिर ऐसा करने से ये शरीर कब तक टिकेगा? अब सुबह चल कर खाना खाओ, बहुत रात। मैं हंस कहाँ रहा हूँ? हंस रही हो और कह रहे हो हंस कहाँ रहा हूँ? तुम भी अजीब हो, मैं क्या हंस रहा हूँ? देखो तुम्हारी आंखें, आज फिर तुमने भांग पी है। मानती हूँ मूर्ति चलाने दूसरों को भला करना है, लेकिन उसके साथ ये सब क्या? शम्मू ने आज अच्छी मांग बनाई थी और क्या कहने से ही पी लेनी होगी, और मैं जो रोज रोज मना करती हूँ उसका कुछ नहीं। मैं सच कहती हूँ, अगर आप तुमने कभी भांग पी तो मैं अपना सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। हाँ, जब तू बिगड़ती है तब भी खूबसूरत लगती है। पुनि समुझ दीख मन माही, अभि योग सम दुख जग नाही। अस कही सिया रघुपति पद लागी, बोली वचन प्रेम रस पागी। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। क्या हुआ रे पुन्नो, तेरी आंखों में आंसू? भाभी ने मुझे घाल मसल दिए और मुझे कहानी कहा। तुझे कहानी कहा? ऐसी हिरनी जैसी दो आंखें होते हुए तुझे जो कहानी कहती है वो खुद कहानी है, लेकिन घाल क्यों मसल दिए? झूठ मत। अच्छा चल मैं देखता हूँ। पीतू, आज इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ भैया, वकील साहब ने घर पर बुलाया है। विराज, विराज। ओ, मुझे भी शिकायत करने गई थी। क्यों ना जाए, तुमने जो इसे कहानी कह दिया वो सरासर झूठ है, लेकिन गाल क्यों मसल दिए? मसलूंगी नहीं, इतनी बड़ी हो गई, बिछौने से उठते ही बिना मुंह हाथ धोए गौशाले में घुसकर बछड़े को खोल दिया और मुंह बाहर देखती रही। आज एक बूंद दूध नहीं मिला, इसे तो पीटना चाहिए। नहीं, सुंदरी को ग्वाले के यहाँ भेजना चाहिए। अच्छा बहन, बछड़े को तुमने क्यों खोल दिया? ये काम तो तुम्हारा नहीं। मैं समझी कि दूध दूहा जा चुका है। फिर ऐसा समझी तो मजा चखा दूंगी। हाँ, इस उम्र में तुमने भी एक दिन माँ का पंछी उड़ा दिया था, पिंजरा खोलकर समझी कि पिंजरे का पंछी उड़ी नहीं सकता। तब इतनी बड़ी नहीं, इससे छोटी थी। चलो ना बड़े भैया, बाद में चले। नहीं नहीं, इस धूप में जाने की कहीं जरूरत नहीं, चारों तरफ शीतला मैया की दया हो रही है। बस रसोई तैयार है, तुम नहा कर आओ। चल पुन्नो, तुझे आज पैरना सिखाऊं। चल दूध क्यों अलग रख दिया? आज दूध नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियोगे? आज तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं पकाया। वाह, इतना सब कुछ पकाया? इतना क्या, फेर फेर कर कभी ये कभी वो, खाली साग पात से क्या मर्द खा सकते हैं? क्यूरी तू खा चुकी? हाँ। और दूध? ये देखो। अच्छा, जा हाथ धोकर अपनी छोटी भाभी से मिठाई मांग। अच्छा, तुमने सब दूध नहीं पिया? उफ,
पी तो रहा हूँ। हंसते क्या हो, मेरी देह में आग लग जाती है। दिन दिन तुम्हारी खुराक घटती जाती है, इसका भी ध्यान है? देखो तो जरा, हड्डी हड्डी निकल आई है। देखा है, मेरी बजाय तू ही पी लिया कर। क्या पंगी से मारूं जितना तू प्रकार कर। याद नहीं रहता है विराज, बचपन की आदत ठहरी वो जाती नहीं। कितनी बचपन में हमारी शादी हुई थी, कितने दफे तुम्हारे कान उड़ते हैं, याद है? याद नहीं, खूब याद है। मुझे छोटी पाकर तुमने क्या कमतियां याद किए हैं। आज भी वो सब बातें याद है, मगर मैं तभी से तुझे प्यार करता था। ये लो। अरे बाप रे, अब इतनी मिठाई? नहीं नहीं, अब और मैं कुछ नहीं खा सकता। खाना ही होगा। उफ, तुम्हारे इस खिलाने के जुम के मारे तो जी चाहता है किसी वन में चला जाऊं। हाँ भैया, मैं भी तुम्हारे साथ वन चलूंगी। मुझ पर भी भाभी खाने के लिए बड़ा जुम करती है। चुप रहे, मुझे नहीं खाएगी नहीं तो जिएगी कैसे? ससुराल में जाएगी तो पता लगेगा, फिर भाभी याद आएगी। नहीं विराज, अब मुझसे खाया नहीं जाता। शायद इस वक्त खाकर अच्छा नहीं किया, सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं है, पहले तो नहीं बतलाया। अरे तुम्हारा बदन तो गर्म है, अच्छा रहने दो, हाथ धो लो, मगर आज बाहर नहीं बैठना, चुपचाप अपने कमरे में जाने दो। पुन्नु, जाता तो अपने बड़े भैया का बिस्तर लगा दे। बुखार ज्यादा मालूम होता है, मैं घर जाकर दवा भेज देता हूँ। बैठ। कैसी हालत है भैया की? इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता, गांव में जो बीमारी फैली हुई है उससे जरा होशियारी रहना चाहिए। सुना वैद्य जी क्या कहते? अब हर वक्त उधर सुधर सुधर कर मत आना। चुप ही रहो, कहीं सुनना नहीं। सुनो, जाकर जाकर खाना खा ले, अपनी छोटी भाभी से कह दे वो सब भी खा ले। मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। तुम क्यों नहीं खाओगे भाभी? हर बात तुझे पता नहीं होगी। जवाब भगवान मेरी लाज रख सकता है, मैं जल्दी अच्छा कर देना। नहीं, आज बुखार नहीं, जाऊं जाकर नहाया। आज इतनी सुबह नहाने जा रही हो? जानते नहीं भैया, तीन दिन से भाभी ने कुछ नहीं खाया पिया। आज सुबह सुबह स्नान करके पंचानन बाबा के यहाँ पूजा चढ़ाकर तब भाभी खाएगी। चुप रहे पुन्नु, बूढ़ी दादी की तरह बातें न बना। ये क्या, तुमने तीन दिन से खाया नहीं? ये तुम्हारा पागलपन नहीं तौर के। नहीं, पागलपन नहीं, अगर तुम औरत को जन्म देती तब समझते कि ऐसे दिनों में पति को बुखार आने पर स्त्री के दिल पर क्या गुजरती है। पुन्नु, अगर तू पूजा चढ़ाने जाना चाहती है तो जल्दी से जाकर नहा ले। जाती हूँ। और सुन, अपने भैया के लिए देवता से अच्छी तरह प्रार्थना करना। वो खूब करेगी, बल्कि तुमसे अच्छी तरह। ये ना समझो, चाहे माँ हो चाहे बहन, लेकिन स्त्री के लिए अपने पति से बढ़कर और कोई नहीं होता। बड़ी बहू, तुलसी वैद्य के यहाँ जाएगी क्या? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, अब मुझे बुखार नहीं है। तुमने मुझे झूठ मूठ बीमार बना रखा है, आज मैं भात खाऊंगा। भात नहीं, पुलाव खाओगे, जो वैद्य कहेंगे वही खाना होगा। सुंदरी, जा तुलसी को भेज दे। अच्छा। भैया, भाभी ने कहा है तुम अंदर जाकर आराम करो, बुखार के बाद आज तुमने खाना खाया है, बाहर ज्यादा देर बैठने से तबीयत फिर खराब हो जाएगी। अच्छा तू जा, मैं आता। नीलू भैया, नीलू भैया। नीलू भैया, एक बार अपने चरणों की धूल दो तो शायद मेरा कैलाश बन जाए। क्या हुआ उसे? दो दिन से बेहोश पड़ा है, गरीब के घर जन्म लिया है। नीलू भैया, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। गांव वालों पे जो शीतला मैया ने दया की है, कोई दवा दी? दवा क्या छू, दवा से ज्यादा विश्वास तुम्हारे चरणों की धूल पर है। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं देवता, तुम्हें चलना ही होगा।
तुम ही तो हम गरीबों का एक सहारा। अच्छा तू इस वक्त जा मोती, मैं बाद में आऊंगा। अच्छा देव साहब। भैया तुम अभी तक यहीं बैठे हो? पुन्नो एक काम करेगी? क्या काम भैया? जाना चुपके से मेरी छेपची ले आ। इस धूप में तुम बाहर जाओगे? भाई से तेरी भाभी ने सुन लिया तो बस, जाना मेरी अच्छी बहन, मेरी छेपची चुपके से ले आ। अरे भाई मुझसे नहीं होगा, भाभी तुम्हारे कमरे की तरफ मुँह किए बैठी खा रही है, अगर देख लिया तो हड्डी पसली न बचेगी। किसे चिट्ठी लिखी है विराज? मामा को। तुम्हारी बीमारी की खबर पाकर बहुत बेचैन हो रहे थे, इतने दिनों तो वक्त ही नहीं मिला। आज उन्हीं को लिख रही हूँ कि तुम अच्छे हो गए। एक बात मानोगे विराज? क्या बात है? अगर मानो तो कहो। मानने लायक होगी तो जरूर मानूंगी। नहीं तुम नहीं मानोगी, कहने से कोई फायदा नहीं। अच्छा तुम बताओ, मैं मानूंगी। कुछ देर पहले मोती मेरे पांव पकड़ रो रो कर कहने लगा, कैलाश को 2 रोज से बुखार है, उसे विश्वास है कि मेरे जाते ही उसका बेटा अच्छा हो जाएगा। ये रोगी शरीर लेकर जाओगे? क्या करूं, वचन जो दे चुका हूँ। तुमने क्यों वचन दिया? तुम समझ रहे हो तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा ही है, इसमें और किसी को कहने का कुछ हक नहीं, तुम जो जी में आए कर सकते हो। उसका रोना देखकर। तुमने उसका रोना तो देखा, लेकिन इस दुनिया में मेरा रोना देखने वाला भी कोई है? तुम कहीं नहीं जाओगे। ये क्या कर रही है विराज? विराज सुन सुन, तेरी भाभी कहाँ है? शायद पड़ोस में गई होगी। पड़ोस में गई होगी, जरा कुंडी तो खोल। ओ, भाभी ने लगाई? नहीं बाबा मुझसे नहीं होगा। सुन बहन, मोती से कह चुका हूँ, नहीं जाने से झूठा बनूंगा। अच्छा खोलती हूँ, पर भाभी से न कहना। जल्दी लौटना। हाँ हाँ जल्दी लौट आऊंगा। अरे ये दरवाजा किसने खोला? जरूर ये पुन्नु का काम है। कुंडी तूने ही खोली थी ना? नहीं भाभी भाग कर जाएगी। चल चल अंदर चल। वाह मेरा क्या कर सकता, भैया ने कहा। भैया ने कहा था, चल अंदर। जिस तरह तूने खोल दिया उस तरह भैया के बदले तू बंद। मैंने इतना मना किया फिर भी चले गए। भैया आओ देवता आओ। कैलाश की माँ, अब डरने की कोई बात नहीं। दो दिन से यहीं पड़ा हुआ है। चिंता न करो, अच्छा हो जाएगा। Thank you.
ये सरकारी रसोई घर में रख दे, मैं तुलसी को हार भेजती हूँ। मेरे मन भुला भुला कहे डोले, प्रभु संग प्रीत लगा ले, प्रभु बिन कौन संभाले। जीवन की ये छोटी सी नैया कर दे राम हवाले। मेरे मन भुला भुला कहे डोले, प्रभु संग प्रीत लगा ले, प्रभु बिन कौन संभाले। जीवन की ये छोटी सी नैया कर दे राम हवाले। जीवन एक बार मिले हैं, ये फूल एक बार खिले हैं। जीवन एक बार मिले हैं, ये फूल एक बार खिले हैं। जो पल जाए फिर ना आए, जो पल जाए फिर ना आए, काहे जन्म गवाए रे। हरि का नाम धिया ले, जीवन की ये छोटी सी नैया कर दे राम हवाले। ये सूरज चांद तारे, ये रंग रंगीले पंख पखेरू प्यारे प्यारे। रंगीले पंख पखेरू गोरे सारे प्यारे प्यारे। ये सूरज चांद तारे, जगत के ये नर नारी प्रभु की है महिमा सारी। जगत के ये नर नारी प्रभु की है महिमा सारी। सबको वो चाहे सब में समाए, सबको वो चाहे सब में समाए, फिर भी नजर ना आए रे। प्रभु के खेल निराले, जीवन की ये छोटी सी नैया कर दे राम हवाले। मेरे मन भुला भुला कहे डोले, प्रभु संग प्रीत लगा ले, प्रभु बिन कौन संभाले। जीवन की ये छोटी सी नैया कर दे राम हवाले। ये क्या तुम यहाँ बैठी हो? मैं तो क्या तुम्हारे मुंह से भजन कर जंगल में चलते चलते जानवर भी बैठ जाए। आज पुन्नो नजर नहीं आती, रोज तो इस वक्त ही। पुन्नो क्या वही पुन्नो रही, इतनी बड़ी होगी मगर बचपना नहीं गया। दिन रात या बाग में या नदी के किनारे भागती फिरती है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, तुम तो उसको बच्ची ही समझते हो। जानते हो फागुन में पंद्रवा खत्म करके सोलहवें में कदम रखेगी। अच्छा अच्छा, जरा उसे बुलाओ, मेरी पूजा खत्म हो गई। अभी बुलाती हूँ। पुन्नो, अरे ओ पुन्नो, ऐसा बोलो नहीं तो मछली भाग जाएंगे। अच्छा तुम यहाँ मछलियाँ पकड़ रही हो और मैं तुम्हें सारा गांव हो जाएगी। बस मछली तरह पकड़ रही होगी, क्या मेरा की पूजा खत्म हो गई? हाँ मैं जाती हूँ। कहाँ गई थी? अरे ये कपड़े कैसे ले गए? न जी वहाँ क्या कर रही थी पता? कर क्या रही थी? मछली पकड़ रही थी। सब ये कपड़े भिगो कर आई थी। मैं कहती हूँ तेरी उम्र घट रही है या बढ़ रही है, यूँ नाचते फिरते तुझे शर्म नहीं आती? जैसा भाई वैसी बहन। क्यों भाई ने क्या अपराध किया? तुम्हें तो लाज प्यार से उसे इतना बिगाड़ा है। आज नहीं कल इसकी शादी होगी, अगर अभी से ना समझी तो ससुराल में जाकर दुख उठाएगी। हाँ शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा विराज। अरे हाँ नंदनपुर वाले पुन्नो को देख रहे थे, उन्होंने कोई खबर दी? जाते वक्त तो कह गए थे लड़की पसंद है,
लेकिन अभी तक तो कोई खबर नहीं। गरज हमारी है, तुम ही को एक बार जाना चाहिए। हाँ, कल तक अगर कोई खबर नहीं आई तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। मेरी बहन है इसलिए नहीं कह रहा हूँ ब्रजकिशोर बाबू, सचमुच ही वो रूपवती है। लेकिन भाई आजकल रूप के साथ साथ रुपया भी देखा जाता है। साफ साफ बताइए कि नकद कितना देंगे। हमारी हालत तो आपसे छिपी नहीं, फिर भी हमसे जितना हो सकेगा देंगे। लड़के को देखते हुए तो हम लोगों की मांग कुछ भी नहीं, सिर्फ 1000 रुपया नकद, 10 तोले सोना और बाकी दान वगैरह तो आप लोग देंगे ही। ठीक है, ठहरिए ठहरिए, मेरी पूरी बात तो अभी खत्म ही नहीं। आप तो जानते ही हैं कि मेरा लड़का डॉक्टरी पढ़ता है, पूरे 4 बरस से उसका खर्चा बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन भैया अब मुझसे नहीं होगा, बाकी 2 बरस का खर्चा अब आप ही को देना हो। लेकिन ये तो बहुत बड़ा खर्चा है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तब तो मेरे लिए भी बात पक्की करनी मुश्किल है। ठीक है, हमारे बस के बाहर होते हुए भी हमने आपकी बात मान ली। हमारी एक ही बहन है, जैसे भी हो उसे सुखी रखेंगे। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। शादी का दिन तय करके आपको खबर करूंगा। अब तू ही बता क्या करूं, इतने दिन तो देखा लेकिन ऐसा लड़का ऐसा घर कहीं मिला। तो क्या उनकी हर मांग पूरी करनी होगी, आखिर इतना रुपया आएगा कहां से। सोने के जेवरात तो माँ ही पुन्नो के लिए छोड़ गई थी, अब रही नकद रुपए की बात तो मैंने सोचा चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं। आखिर तेरी राय भी तो सुनो। मैं सोचकर जवाब दूंगा। शायद देवती जमीन रहन रखना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहता, पुन्नो जैसी मेरी बहन है वैसी उसकी भी तो है। बहन की शादी करने का यह मतलब तो नहीं कि जमीन जायदाद बेचकर रास्ते पर भिखारियों की तरह मारे मारे थे। बड़े भैया का क्या, वो तो मेहनत करके रुपया नहीं कमाते ना। मैं तो कल साफ साफ कह दूंगा कि रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। लेकिन उन्होंने जबान जो दे दी है। जबान क्यों दी, आखिर मुझसे भी तो राय लेनी चाहिए थी। ये रहे नीलांबर। बात क्या है, आप लोग सब सुबह सुबह करते। पीताम्बर हम लोगों को बुला लाया, उसका कुछ न कुछ बंदोबस्त करना होगा। बंदोबस्त? हाँ। कैसा बंदोबस्त पीताम्बर, अब बोलो ना। बोलना, आप बोलता क्यों नहीं। समझ गया, खुद कहते उससे शर्म आती है। कुछ भी हो नीलांबर आखिर बड़ा है। बात यह है नीलांबर, पीताम्बर कह रहा था कि तुम्हारे साथ उसकी नहीं पड़ती, इसलिए वो चाहता है कि जमीन जायदाद का बंटवारा हो जाए। क्या कहा, मेरे साथ उसकी नहीं पड़ती? हाँ। तू अंदर जा, तूने ये बात कही है। बेईमान, तेरी इतनी हिम्मत, एक माँ की संतान और उनमें ना बनेगी। आइंदा फिर कभी जो तूने ऐसा कहा तो तेरी जुबान खींच लूंगा। हाँ 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 हाँ, ये तो सरासर अन्याय है। गंवारपने से तुम जीत नहीं सकते। तू बड़ा हो गया, बालिग हो गया, अब अगर वो अलग होना चाहता है तो तुम उसे क्यों रोकते हो। हाँ हाँ, रोकूंगा, 1000 बार रोकूंगा। हमारे निजी मामलात में आप लोगों को बोलने का क्या हक है। जाइए, आप लोग यहाँ से चले जाइए। अपने भाई से जो कुछ तय करना है वो मैं खुद ही करूँगा। वाह, हम लोगों को क्या लाल पीली आंखें दिखा रहे हो, हमने क्या दोष किया। जाने को कहते हो तो चले जाइए। हाँ हाँ, जाइए, अभी चले जाइए। चलो भाई, चलो चलो। अब बोला भागे, क्या चाहता है, मुझसे अलग होना चाहता है। हाँ। क्यों, तूने सोचा मैं कुछ समझा ही नहीं। भाजी बेईमान, नीच, बहन की शादी में मदद करनी होगी इसीलिए तू अलग होना चाहता है। ठीक है ठीक है, मैं अभी सब कुछ बांट दूंगा। जब मैंने जुबान दे दी है तो बहन की शादी मैं अकेले ही करूंगा। तू जैसे नीचे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मांगूंगा। उसे अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए।
ये बात मेरे दिमाग में नहीं आती विराज कि एक सगा भाई बहन की शादी में रुपए देने के डर से अलग हो गया। मैंने तो उसी के भरोसे में जुबान दी थी, अब मैं अकेले क्या करूं? तुम चिंता ना करो, मां मरते समय पुन्नु को तुम्हारे हाथों सौंप गई थी। अब उसी पुन्नु की भलाई के लिए तुमने जो कुछ भी किया ठीक किया। मां स्वर्ग से तुम्हें आशीर्वाद देगी। अब जेवरात बेचकर जमीन रहन रखकर जैसे भी हो अपने कर्तव्य का पालन करो, अपना मोह हल्का करो। जाऊं एक बार भोलानाथ जी के यहाँ जाकर देखूं वो क्या कहते हैं। ये तुम कहते क्या हो है? तुम दोनों भाई अलग हो गए, जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया, अब तुम ही बतलाओ कि तुम्हारे इस हिस्से पर मैं इतना रुपया कैसे दे सकता हूँ। लेकिन फुलानाथ जी, मैंने तो आप ही के भरोसे सब कुछ ठीक किया, अब अगर आप इतनी जमीन पर रुपया नहीं दे सकते तो मैं जेवर से गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। हरे 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 हरे, अपनी औरत के जेवर गिरवी रखोगे? इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं फुलानाथ जी, बहन की शादी तो करनी ही होगी। ठीक है, जब तुम इस तरह कह रहे हो तो ले जाओ रुपया। ओम नमो विश्वरूपाय विश्वस्य संतहे तवे विश्वेश्वराय विश्वाय गोविंदाय नमो नमो। छोटे भैया छोटी भाभी को प्रणाम करा, वो कितना ही रूठे क्यों ना, आखिर गुस्सा ना जा। भगवान मुझ कुछ हुआ मैंने किया, अब तुम ही उसे देख मेरी पुण्य सुखी रहे। रोते नहीं बहन, आज तो ससुराल जा रही है, लड़की हमेशा माँ बाप के घर थोड़े ही रहती है। चल डोली में बैठ। तेरा घर आबाद रहे, तेरा घर आबाद रहे, जारी दुल्हनी आ जा जहाँ रहे तू शाद रहे, तू शाद रहे हो बसे दुनिया का ढंग पुराना, किसका यहाँ ठिकाना, किसका यहाँ ठिकाना, यूं ही रहेगा नहाना, किसका यहाँ ठिकाना। पलखिल में देखो बदले क्या क्या रंग जमाना, जिम दिन जिम गाती आई फिर से बदरिया कारी, महकी डारी डारी
महकी डारी डारी लहकी उजड़ी हुई फुलवारी महकी डारी डारी ओ गाती बहारों के संग आओ गीत गालो रे आओ गीत गालो दो दिन का जीवन है ये हसलो हसालो रे हसलो हसालो कोई बहारों के संग क्या दिल लगाए दिल क्या दिल लगाए है जो भी पले वही मुरझाए दिल वही मुरझाए इस पल हंसाए दुनिया सो पर रुलाए भोलानाथ जी आइए बैठिए इस मोहल्ले में आया था सोचा तुमसे भी मिलता जाऊं अरे हाँ साल भर तो हो गया मेरे रुपयों का क्या किया हरे हरे मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दीजिए भोलानाथ जी हर महीने रमेश की पढ़ाई का खर्चा भेजना होता है सो वो मैं 2 महीने भेज ही नहीं सका हरे हरे और इसके अलावा आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि पिछली फसल को पाला मार गया ये सब रामायण मुझे सुनाने से क्या फायदा भैया मेरे रुपयों का क्या किया वो साफ साफ चुका दूंगा सब चुका दूंगा कुछ दिनों की मोहलत और दीजिए मोहलत तुम्हें काफी दे दिया भैया अब नहीं दे सकता ये आवाज कैसी तुम्हें नहीं मालूम कलकत्ते के एक बड़े जमींदार ने नदी के उस पार को खरीद लिया हाँ ये तो मालूम है उन्हीं का लड़का आज 2 दिन ये नई जमींदारी देखने आया है तुम्हारे घाट के ठीक उस पार उसका तंबू लगा हुआ है रोज इस पार शिकार खेलने आया करता लेकिन इधर किस चीज का शिकार करता है यूं तो चिड़ियों के शिकार का बहाना करता है मगर असल में किस चीज का शिकार करता है वो हरी ही जाने हरे 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 सुना है वो बड़ा शराबी और अय्याश भी है कौन है किशोरी लाल इसी गांव में रहती है इसका नाम है सुंदरी उम्र हो गई लेकिन अब भी सुंदरी जी जी हाँ जी ये क्या तुम अभी तक नहाने नहीं गए ये चिट्ठी किसकी ओह इसीलिए पुन्नो को दुशहरे में भेजना नहीं चाहते पढ़ाई का खर्चा जब तक हो सका तुमने भेजा अब तुम्हारे बस के बाहर है तो क्या करोगे पुन्नू की शादी में इतना कर्जा हो गया उसी के बोझ से दबे हुए हो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है उस पर हर महीने उनको रुपए भेजने होंगे पढ़ा नहीं सकते तो हम कैसे पढ़ाएं सब समझता हूँ विराज मगर मैंने जो शारदान जी के सामने प्रतिज्ञा की है उसका क्या होगा कुछ भी ना होगा शालिग्राम अगर सच्चे देखता है तो हमारी तकलीफ जरूर समझेंगे और फिर मैं भी तो तुम्हारा आधार हूँ अगर ऐसा करने से कोई दोष या पाप होगा उसे मैं अपने ऊपर लेकर जन्म जन्मांतर तक नरक भोग लूंगी Ah, 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 ah.
दिल मेरा तुझ पे सदके, नैना तुझ पे दीवाने, जग सारा जाने बेदर्दी, एक तू ही ना जाने। न जाने रे 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 सैया मन की बतिया मोरी रो रो बीते रतिया न जाने रे न जाने रे कहूँ तो कहा न जाए दिल कह रहा न जाए कहूँ तो कहा न जाए दिल कह रहा न जाए मन नहीं माने रे न जाने रे न जाने रे शोभी सारी मस्ती सारे जलवे लुटाए तीर चलाए नजरों ने जुल्फों ने जाल बिछाए लेकिन जादू चला कोई तुझ पे किसी बहाने न जाने रे न जाने न जाने रे सैया मन की बतिया मोरी रो रो बीते न जाने रे न जाने रे न जाने रे भाई जरा उठ के छेड़ो न मोहे बलमा मैं जागी सारी रात छेड़ो न मोहे बलमा मैं जागी सारी रात क्या बात छेड़ो न मोहे हाय छेड़ो न मोहे छेड़ो न मोहे बलमा मैं जागी सारी रात छेड़ो न मोहे बलमा मैं जागी सारी रात छेड़ो न मोहे बलमा मैं जागी सारी रात तुम यहाँ अंदर बैठो मैं हुजूर को खबर करता हूँ जाओ जाओ डरने की कोई बात नहीं ये नहीं इधर आओ बैठ शर्माती क्यों बैठो तुम्हारे मालिक का क्या नाम नीलांबर चक्रवर्ती सुबह जी ने देखा वो कौन थी वो मेरी मालकिन है अच्छा अगर मैं सुंदर ना होती तो क्या तब भी तू मुझे इतना ही प्यार करती मैं तो बचपन से एक सुंदरी को ही प्यार करता है
अब इस वक्त कैसे बतलाओ, अगर तुम सुंदर ना होती तो मैं क्या करता? मैं बतलाती हूँ तुम क्या करती, तब भी तुम मुझे इतना ही प्यार करती। क्यों कर समझी? जो अन्याय है, जिसे करने से पाप होता है, वो तुम कभी नहीं कर सकती। और अपनी स्त्री को प्यार न करना अन्याय है, इसीलिए मैं जानती हूँ कि अगर मैं बदसूरत भी होती तब भी मैं तुमसे इतना ही प्यार और दुलार पाती। अच्छा, क्या सावित्री सत्यवान की कहानी सच है? शास्त्र की बात है, सच नहीं तो क्या झूठ है? मरे हुए स्वामी के प्राण सावित्री यमराज से लौटा लाई, जो शरास्त्र की तरह सच है वो मरे हुए स्वामी को जरूर लौटा ला सकती है। तो फिर मैं भी लौटा ला सकती हूँ। तू भी क्या उनकी तरह सती है? वो ठहरे देवता, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं भी किसी सती से एक दिल भर भी कम नहीं। हो सकता है तू भी कर सकेगी। तो फिर मुझे आशीर्वाद दो, तुम्हारी चरणों में सर रखकर तुम्हारी सूरत देखते देखते मेरे प्राण निकले। बोलो तुमने आशीर्वाद दिया। अच्छा, आज तुझे हो क्या गया, ऐसी उल्टी उल्टी बातें क्यों कर रही है? आज नहीं, फिर कभी बताऊंगी। माँ जी, ये तेल रखो। इतनी देर कहाँ लगा दी, कोई भी तो उधार देना नहीं चाहता। बड़ी मिन्नत खुशामत से बंसी की दुकान से लेकर आई हूँ। माँ जी, सुंदरी कहाँ है? क्यों, पानी ले गई? माँ जी, तुमने कुछ ख्याल किया? सुंदरी आजकल रोज नए नए कपड़े पहनती है। तो कहना क्या चाहती है? ये सब कुछ मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या बताऊँ, बात कुछ ऐसी है जो तुमसे कहना पड़ रहा है। सुना है रोज रात जमींदार की नाव से लेने आती है और वो वहाँ जाया करती है। जमींदार साहब उसे रुपए भी देते हैं। नीलम्बर, ओ नीलम्बर। अरे देख तो कौन आया है, कहते तेरे बाबू घर में नहीं। बड़े बाबू घर में नहीं है? घर में नहीं तो झूठ मूठ मुझे रुपया देने का वादा क्यों किया था? दो रोज पैदल चलकर आया हूँ, अगर उसे रुपया नहीं देना था तो मुझे फजूल दौड़ाया क्यों? तू अंदर जा, वो घर में नहीं है, उनसे क्या काम है? क्या काम है, बहनोई की पढ़ाई के लिए 2 रुपए ले आया, आजकल करते करते 6 गुजार दिए। भला आदमी जानकर मैं अब तक खामोश रहा, आखिर हमारी भी तो जरूरत है। सुना है रुपए के लिए भोलाना दावा करने जा रहा, शायद मुझे भी वही करना पड़े। कह देना कल फिर आऊंगा। सच कहती हूँ, तुम्हारा जैसा रूप तो राजा महाराजा के यहाँ ही शोभा देता है। देखती हूँ तो आजकल राजा महाराजाओं की खबरें खूब रखती है। तू जमींदार के यहाँ क्यों गई थी? हाय दुनिया, ये किसने कहा कि मैं जमींदार के यहाँ गई थी? मैं सब जानती हूँ, बता क्यों गई थी? हाय दुनिया, तुम ही बताओ मैं क्या करती। वो ठहरे गाँव के जमींदार, सिपाही बुलाने आए तो हम जैसे गरीब कैसे ना कर सकते हैं। तुम कुछ भी कहो, जमींदार साहब हैं बड़े दयालु, जब भी जाती हूँ सिर्फ तुम्हारी तारीफ करते हैं। तुम्हारी तकलीफ सुनकर कहने लगे अगर किसी किस्म की जरूरत हो तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, और अगर रुपए की। तेरी ये मजाल की मेरे सामने ऐसी बातें करी, चल निकल जा मेरे घर से, अब इस घर में कभी मत आना। हाय भैया, मैं इतनी पुरानी दासी और इतनी सी बात पर मुझे जवाब दे दिया? हाँ मैंने तुझे जवाब दे दिया, जा अभी निकल जा। नहीं, तेरे हाथ का पानी छूने से भी उनका मंगल होगा।
इतनी रात तुम पानी लाने गई थी? सुंदरी कहाँ? मैंने उसे जवाब दे दिया। जवाब दे दिया? अच्छा किया। लेकिन बताओ तो उसे हुआ क्या? होगा क्या, मैंने सचमुच उसे निकाल दिया। निकाल कैसे दोगी? वो कितना भी दोष क्यों ना करे, मगर कितने दिनों की पुरानी जाती है ये भी ख्याल है। मैंने ठीक समझा, इसीलिए निकाल दिया। निकाल तो दिया, लेकिन काम कौन करेगा? तुम। मैं तो ला झूठे भर बोला। तुम यहाँ से जाओ तो, तुमसे तो जरा सा हंसी मजाक करना भी मुश्किल है। ऐसी बात कह दोगे जिसे सुनने से भी पाप होता है। वाह, ये भी सुनने से पाप होता है? समझ में नहीं आता विराज, तुम्हें किससे पाप नहीं होता? तुम सब समझते हो, नहीं तो इतने काम होते हुए झूठे बर्तनों की बात कभी ना करते। नहीं विराज, ये ना होगा। मैं तुम्हें नौकर दासी का काम नहीं करने दूंगा। सुंदरी ने कोई कसूर नहीं किया, तूने सिर्फ खर्चा बचाने के लिए उसे छुड़ा दिया। बोलो ये सच है या नहीं? नहीं, सच नहीं। उसने सच मुझे अपराध किया है। क्या अपराध किया ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन विराज, तुम्हें ये सब काम करते हुए देख के मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? ओ, मैं ये सब काम करती हूँ तो तुम मोहल्ले वालों को मुंह नहीं दिखा सकते। लेकिन बहनोई की पढ़ाई के लिए जो रुपए लिए थे उसके लिए घर में आकर सौसा सुना गया, बेइज्जत कर गया, और उधर भोलानाथ नाली की धमकी दे रहा है। इन सबसे तुम्हारी गर्दन मोहल्ले वालों के सामने नहीं झुकती। अब जाओ यहाँ से, मुझे ज्यादा तंग ना करो। दो वक्त का खाना तो जुड़ता नहीं, कर्जदार पैसे के लिए सर पे खड़े रहते हैं, फिर भी गर्मी कम नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैंने भले मानस की तरह कहा कि अगर किसी किस्म की जरूरत हो तो जिम्मेदार सर पैसे से मदद करने के लिए तैयार है। बस ये सुनते ही आग बबूला हो गई और मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? हाय दैया, जरा दिमाग तो देखिए, इतना दिमाग अच्छा नहीं। मैं भी अपनी बेइज्जती का बदला लिए बगैर नहीं छोड़ूंगी। जैसा रूप है उससे दिमाग तो होना ही चाहिए। तुम्हारा ये रूप गुण भगवान ने राज रानी की योग्य ही बनाया था। भगवान तुम्हें ये खबर कब दे रहे? आँख कान हो तो भगवान सभी को खबर देते हैं। तो तुम समझते हो कि मैं ये सब बातें सुनकर खुश होती हूँ? कौन सी बात है? यही कि मैं राजरानी बनने लायक थी, सिर्फ तुम्हारे हाथों पड़कर ऐसी हो गई। रूप 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 सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए हैं, और जो सब कहते हैं तो शायद उनकी नजरों में मेरा रूप ही सब कुछ होगा। लेकिन तुम तो मेरे पति हो, छोटी उम्र से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुमको भी मेरे रूप के सिवा और कुछ नजर नहीं आता? मैं क्या तुमको अपने रूप ही से भुला रखना चाहती हूँ? आज अचानक तू इतने नाराज क्यों हो गई? तो फिर तुम ऐसी बातें ही क्यों करते हो? मैंने तो कोई बुरी बात नहीं कही। कोई बुरी बात नहीं कही, बहुत बुरी बात की है, इसीलिए तो मैंने सुंदरी को। फिर किसी अपराध पर तुमने उसे निकाल दिया? देख, तुम मेरे साथ बहस मत करो, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, भला बुरा अच्छी तरह समझती हूँ। उसने छुड़ाने लायक काम किया था, इसीलिए मैंने उसे छुड़ा दिया है। दीदी क्या है, जरा इधर आना। क्या है छोटी बहू? एक बात है दीदी, मगर डर से कह नहीं पाती। क्या बात है छोटी बहू? जेठी के ऊपर नालिश हुई है, शायद कल ही समन निकलेगा। समन निकलेगा? हाँ, किसने की है नालिश? भोला नाथ ने। ओ, समझ गई। आज इस छोटी बहन की एक बात मानोगी दीदी? क्यों ना मानूंगी, जरा अपना हाथ तो इधर बढ़ा। ये माला मुझे क्यों दे? इसे बेचकर या बंधक रखकर उसके रुपए लौटा दो दीदी। जाओ नहीं छोटी बहू, सुनो, ऐसा नहीं करते, देवर जी को मालूम होगा तो वो नाराज। नहीं दीदी, उन्हें कभी न मालूम होगा। माँ मरते समय मुझे ये छिपा कर दे गई थी, उस वक्त से मैंने ना कभी इसे निकाला ना कभी पहना। नहीं, मैं इसे ना लूंगी। औरत को स्वामी से छिपा कर कोई भी काम ना करना चाहिए, इससे हम तुम दोनों को पाप होगा। धर्म अधर्म का ख्याल मुझे भी है दीदी, मरते समय आखिर मैं क्या जवाब दूंगी? तुम्हें कोई जवाब ना देना होगा बहन, और वो जवाब तो शायद तुम्हारी अंतर्यामी ने अब तक लिख भी दिया होगा।
जाओ अब जाकर सो रहो, जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा। लेकिन आज की ये बात मैं मरते समय तक ना भूलूंगी। भगवान, पिछले साल फसल को पाला मार गया, इस साल भी अच्छी नहीं हुई। इस पर भी अगर अपना सब कुछ चला गया तो हम जिएंगे कैसे? क्या हुआ? कुछ भी ना कर सका विराज, मुकदमा हार गया, सारी जमीन निकल गई। किसने खरीदी है? इतने दुख में सिर्फ यही एक तसल्ली है कि खरीदने वाला कोई गैर नहीं, अपना ही भाई पीताम्बर, उसने किसी दूसरे के नाम से खरीद ली है। अरे ये क्या, तुम ऐसे बैठी हो? चूल्हे पर क्या चढ़ाया है? मालूम होता है कुछ जल रहा है। सब कुछ तो जल गया तुलसी, अब ये जल रहा है तो क्या हुआ? मेरे यहाँ लौकी फली थी, इसे रख लो माँ जी, मैं ये खिलौने हाट बेचने जा रही हूँ। देखो खिलौने, ये खिलौने तो कैसे बेचती है री? एक आने दो आने में। अच्छा, अगर मैं तुझे खिलौने बनाकर दूँ तो क्या तू बेच आया करेगी? तुम? हाँ। अच्छा, अगले हाट के दिन तुमसे खिलौने ले जाऊंगी। तो ये खिलौना तो यहीं छोड़ जा, मैं पीछे लौटा दूंगी। अच्छा माँ जी, रख लो। तेरी तकलीफ अब मुझसे देखी नहीं जाती विराज, और गांव में मुझे कोई काम धंधा भी नहीं मिलेगा। तू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए अपने मामा के यहाँ चली जा, मैं भी एक बार शहर पर। शहर जाकर क्या करोगे? कितने ही काम वहाँ है, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहना मान विराज, कुछ दिनों के लिए तू वहाँ चली जा। तू मुझे कब तक बुलवा भेजोगे? मेरा कुछ काम होते ही तुझे बुला लूंगा। वादा करते हो? हाँ। अच्छा, तो चली जाओ। तो कल ही तेरे जाने का बंदोबस्त करता हूँ। लो भिखू, रख दो। अब और देर करने से तो पहुंचने में रात हो जाएगी बाबू। हाँ हाँ, अभी आए। जल्दी करो विराज, नहीं तो पहुंचने में रात हो जाएगी। अब चादर क्यों रख दी? अरे
अब इधर कहाँ जा रही है? सब सामान तो गाड़ी में रख दिया, अब रसोई घर में क्या काम? ओहो, अब इस वक्त ये सब काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या इरादा है, जाएगी नहीं? मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्या कैसी है तबीयत ठीक नहीं? हाँ, बहुत खराब है। तो कब जाएगी बोल, गाड़ी वाहन से कह दूं? मैं नहीं जाऊंगी। ये तो मैं पहले ही जानता था, तुझे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे ये तो मेरी गलती हुई जो गाड़ी बुलवाई, जाऊं उसे जाने के लिए कह दूं। आज तुम अपने मामा के यहाँ जाने वाली थी, गई क्यों नहीं? कैसे जाऊं वहीं? सुबह नींद से उठकर उनका मुंह देखे बिना एक दिन भी तो नहीं बिता सकती। बुरा न मानो दीदी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर कुछ दिनों के लिए वहां हुआ थी तो अच्छा होता। क्यों, जिम्मेदार के बारे में कह रही है? हाँ, कल सुंदर जब उसे कह रही थी तुम्हारा कुछ दिनों के लिए वहां जाना ही अच्छा होता। एक कुत्ते के डर से घर छोड़कर चली जाऊंगी? दीदी, चलो दीदी जल्दी चले, चलती हूँ। दीदी इस रास्ते से अब जाएंगे कैसे? क्यों, डर किस बात का है? मैं जो हूं तेरे साथ, चल तो। चलिए अमन। रुक क्यों गई दीदी? खैर, आज इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही होगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? शिकार खेल रहा। आप बड़े आदमी हैं, एक भले आदमी के लड़के हैं, ये आपकी कैसी हरकत? क्यों, मैंने क्या किया? आपकी जिम्मेदारी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जहाँ आप खड़े हैं वो जमीन मेरी है। आप कितने नीच हैं ये खाट की लकड़ी का एक एक टुकड़ा जानता है, और मैं भी खूब जानती हूँ। आप शायद मेरे पति को नहीं जानते, इसीलिए कह देती हूँ आइंदा भूल कर भी आप इधर मत आइएगा, वरना अच्छा ना होगा। ओ भाभी, जिससे अभी अभी बातें हो रही थी वो जिम्मेदार था ना? हाँ। भला क्या बातें हो रही थी? तुमको इससे क्या मतलब? हजार बार मना करने के बाद भी तू घाट पर क्यों गई थी? बोल बोल। अब रोटी मैं तेरी हड्डी पतली एक कर दूंगा। ये शोर कैसा? ये शोर कैसा? छोटी बहू को पीट रहा है क्या? हाँ हाँ पीट रहा हूँ। तुम्हें क्या? क्या कहा? मुझे क्या? जाएगी जाओ छोटी बहू, डरने की कोई बात नहीं। सुन छोटी बहू के सामने तेरी बेइज्जती करना मैं नहीं चाहता, मगर कान खोल कर सुन ले, जब तक मैं जिंदा हूँ फिर कभी तूने जो बहू रानी पर हाथ उठाया तेरा हाथ ही तोड़ डालूंगा। मेरे घर में घुसकर मुझे मारने तो चले आए, लेकिन इसे पीटने की वजह भी जानते हो? नहीं, और जानना भी नहीं चाहता। लेकिन जानना जरूरी है, दूसरे को कुछ कहने से पहले अपने घर को देखना चाहिए। मतलब? मतलब यही कि ये मेरे मना करने के बाद आज फिर भाभी के साथ घाट पर गई। इसीलिए तूने हाथ उठाया? सिर्फ इसीलिए नहीं, भाभी घाट से लौटते वक्त घंटों जिम्मेदार से बातें करती रही, और कौन जाने अक्सर करती हूँ। कौन बातें करती रही? विराज बाबू? हाँ हाँ भाभी। तूने अपनी आंखों से देखा? मैं भगवान की कसम, इसमें से भगवान का नाम न ले। आखिर तुम मुझ पर इतना लाल पीला क्यों हो रहे हो? यार घंटों बातें करती रही, मगर तूने कैसे जाना उसे बात करने की जरूरत न थी? वो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ कि जमींदार जो आजकल घाट के चक्कर काटा करता है वो छोटी बहू के लिए नहीं बड़ी बहू। तो जानवर है, बड़ा भाई होकर तुझे शराब नहीं देता, लेकिन तूने गुरुजन के बारे में जो बात आज कही है भगवान तुझे कभी नहीं क्षमा करेंगे।
रसोई तैयार है, चलो खा लो। उन्होंने बुलाकर बात नहीं की तो क्या देवर जी की सब बातों पर उन्हें विश्वास कर लिया? मैंने क्या किया, मुझसे बोलते क्यों नहीं? इधर उधर भागती फिरती हो तो बोलूं किससे? भागती फिरती हूँ तो क्या तुम मुझे बुला नहीं सकते? जो भागता फिरता है उसे पुकारने से पाप होता है। पाप? तो क्या तुमने देवर जी की बात का विश्वास कर लिया? सच बात है तो विश्वास नहीं करूंगा? नहीं नहीं, सच नहीं, सरासर झूठ है। तुमने उससे बातें नहीं की? हाँ? तो मैंने इतना ही विश्वास भी किया है। अगर विश्वास ही किया है तो जिस तरह वो नीचे अपनी स्त्री को पीट रहा था उसी तरह तुमने मुझे भी सजा क्यों नहीं दी? अच्छा तो मेरे पास आ, बचपन की तरह फिर तेरे कान आए तो। मैंने उससे क्या कहा था जानते हो? जानता, उसे आने के लिए मना कर दिया है। तुमसे किसने कहा? किसी ने नहीं, जब अजनबी से बात की है जरूर कोई दुख में पड़कर ही की होगी, तो इसके सिवा हो ही क्या सकता है विराज? मेरी विराज आज से जन्म जन्मांतर से मेरी भगवान, मेरा सब कुछ ले लो लेकिन इसे मुझसे ना छीना, इसे मुझसे ना छीना। लाऊंगी, जैसे भी होगा उसे यहाँ लाकर अपनी बेइज्जती का बदला लूंगी, तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। ये बात तो मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, मेरा बजरा आ गया, अब मैं थोड़े दिनों में यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे थोड़े दिन की मोहलत और दीजिए, आप तो जानते हैं वो औरत कैसी है, ये काम कोई इतना आसान नहीं। तुम खाना खाओ, मैं अभी आती। अभी सब जा रही हूँ, काम है। विराज, विराज, मैं काम कर रही हूँ। भला इस वक्त क्या काम है, इधर आ, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं उठता हूँ। हाँ दीदी, भैया की चिट्ठी आई है, पिताजी सख्त बीमार है इसलिए मैं मैके जा रही हूँ। खुश रहो, भगवान करे तुम्हारे पिताजी जल्दी अच्छे हो जाए। एक बात पूछूं दीदी, जेठ जी तुम्हें बुला रहे थे, तुम गई क्यों नहीं?
देखा नहीं, काम कर रही थी। ये कहकर तुम मुझे नहीं भुला सकती दीदी, तुमने हमेशा सब काम काज छोड़कर सामने बैठकर उन्हें खाना खिलाया है। दुनिया में इससे बड़ा और काम तुम्हारे लिए कोई नहीं रहा, आज इतना बुलाने पर भी क्यों नहीं गई? तो फिर आ, चल कर देख, ये देख, सिर्फ उबले हुए चावल और नारी का साग। अब तू ही बता, दुनिया में कौन सी स्त्री सामने बैठकर अपने पति को भोजन करते देख सकती है? अब जो तेरे जी में आए मुझे कहकर गाली दे, मैं कुछ ना कहूंगी, कुछ ना कहूंगी। दीदी, मैं तुझसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती, तेरे साथ मेरा दुख समझने वाला और कोई नहीं। मैंने खूब सोच विचार कर देखा है, मेरी यहाँ से गए बगैर उनकी तकलीफ दूर होने की नहीं, लेकिन रहने से मैं उनकी सूरत देखे बिना एक पल भी नहीं बिता सकती। मैं चली जाऊंगी, बोल मेरे जाने के बाद तू उनकी देखभाल करेगी ना? कहाँ जाओगी दीदी, कैसे बताऊं कहाँ जाती है बहन? लेकिन इतना सुनती इससे बढ़कर और कोई बात नहीं, लेकिन रोज रोज के कुंडली से तो छुटकारा हो जाएगा। जी जी दीदी, ऐसी बातें मुंह पर नहीं लाते, आत्माते की बात जो कहता है और जो सुनता है दोनों को पाप होता है। तुम्हें क्या हो गया है दीदी, सुन तो नहीं जाती, क्योंकि इतना चाहती हूँ अब मैं उन्हें खाने को नहीं दे सकती। मुझे क्यों कर सकते मेरे जाने पर दोनों भाइयों का मेरे घर आ जाएगी, तो तुम भी मुझे वचन दो कि फिर कभी ऐसी बात जबान पर नहीं लाओगी। मैं कैसे भी कहती हूँ, कभी कभी मैं सुन नहीं जाता, मुझसे सहन नहीं जाता। होशियार रहना। नमस्ते नीलू भैया, कहाँ से आ रहे हो? अच्छा विराज, जिम्मेदार जो दिन भर बंसी लिए घाट पर बैठा रहता है, इससे तो तुम लोगों को बड़ी असुविधा होती होगी। होती भी है तो क्या करें? नहीं नहीं, ये बात तो अच्छी नहीं, मैं कल ही जाकर मना कराऊंगा। नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं, नदी सिर्फ हमारे अकेले की नहीं। ना हो हमारे अकेले की, इसका मतलब ये तो नहीं कि औरतों के नहाने के घाट पर दिन भर बंसी लिए बैठा रहेगा। क्या उसे भले बुरे का विचार करना नहीं चाहिए? मैं कल ही जाकर मना करूंगा, और अगर न माना तो वो मचान वचान तोड़ फोड़ के फेंक दूंगा। सर ठंडे दिमाग से काम लो, जिसे दो वक्त का खाना नहीं जुटता उसे जिम्मेदार से झगड़ा करना शोभा नहीं देता। विराज, किस दिन तुझे दो वक्त का खाना नहीं मिला? बोल बोल। बेकार ना चिल्ला, जिस तरह से दो वक्त का खाना जुटता है ये मैं जानती हूँ, या मेरे भगवान। आजकल तू हर वक्त मुझे खाने के लिए ताना देती है। ठीक है, मैं आज ही नौकरी की तलाश में जाऊंगा, और अगर न मिली उसी कीर्तन की मंडली में शामिल हो जाऊंगा। कहीं भी जाओ तो सोई तैयार है खाकर जाना। नहीं, जब तक नौकरी न मिली पानी तक न पीऊंगा।
हाँ नीलांबर, आज सुबह तुम्हारे घर आदमी भेजा था, मालूम हुआ दो दिन से तुम घर में नहीं हो, कहाँ गए थे? रामपुर। आपने जिस काम के बारे में कहा था वो हुआ नहीं, उन्होंने दूसरा आदमी रख लिया। अच्छा अच्छा, इसमें घबराने की क्या बात है? आपने मेरे यहाँ आदमी क्यों भेजा था? आज शाम को मेरे यहाँ भजन कीर्तन है, तुम्हारे बिना जमेगा नहीं, तुम जरूर आना। इस वक्त तुम थके माने आए हो, घर हो आओ। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। अच्छा अच्छा, तो यहीं बैठो, फिर साथ चलेंगे। शाम रे एक पल दर्श दिखा जा, झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर सुना 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 जा। तेरे दर्श के प्यासे नैना एक पल दर्श दिखा जा, झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर सुना जा। गोकुल सुना मथुरा सुने सुने ब्रिज के झूले, सुने ब्रिज के झूले, भूल गया तू हमको मोहन हम ना तुझको भूले, हम ना तुझको भूले, फिर पनघट पे जमुना के तट पे आके रात रचा जा रे घन श्याम, राधे श्याम घन श्याम, राधे श्याम घन श्याम, फिर पनघट पे जमुना के तट पे आके रात रचा जा, झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर सुना जा। हम जैसे तो लाखों जग में तुझसा कौन है दाता, तुझसा कौन है दाता, तोड़ के सारे नाते हमने जोड़ा तुझ संग नाता, जोड़ा तुझ संग नाता, भंवर में नैया पड़ी खिवैया अब तो पार लगा जा रे घन श्याम, राधे श्याम घन श्याम, राधे श्याम शाम, भंवर में नैया पड़ी कि भैया अब तो पार लगा जा, झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर सुना जा, झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर सुना जा। तेरे दर्श के प्यासे नैना एक पल दर्श दिखा जा, झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर सुना जा, झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर सुना जा, झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर सुना। इस अंधेरे में चुपचाप बैठी हो माजी, रसोई घर में अंधेरा है, क्या खाना बना चुकी? नहीं जी, आज मुझे बुखार है इसलिए खाने को कुछ जी नहीं चाहता। तो इस ठंड में क्यों बैठी हो, अंदर चली जाओ। चौधरी, तुम्हें आज दो दिन हो गए रामपुर गए, अभी तक नहीं लौटे, इसीलिए जी बेचैन है। ये तुम क्या कह रही हो माँ जी, बड़े बाबू तो गोविंद बाबू के यहाँ कीर्तन गा रहे हैं। कीर्तन गा रही है? हाँ माँ जी, मैं वहीं से आ रही हूँ। घर में स्त्री बीमार, अनाज का एक दाना नहीं, और वो किसी के यहाँ बैठे कीर्तन गा रही है। भाभी। कौन?
भाभी विशद। हाँ नीलू भैया ने धोती मांगी है। धोती मंगवाई है? हाँ लेकिन अभी अभी तो वो गोविंद बाबू के यहाँ कीर्तन गा रहे थे। हाँ लेकिन अचानक खबर आई कि नारायण दास मर गए हैं, उधरी से सीधे मरघट चले गए, अब नहा धो के लौटेंगे। इतनी बारिश में आप कहाँ चली भाभी जी? काम है। तुलसी तुलसी कौन? बारिश में तुम यहाँ कैसे आई माँ जी? आओ आओ अंदर आओ। नहीं दी, तू थोड़े चावल दे सकती है? हम लोगों के मोटे चावल से काम चलेगा माँ जी? हाँ हाँ खूब चलेगा। वो दो दिन के बाद लौट रहे हैं और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, तू जरा जल्दी से दे दे दे। अच्छा माँ जी। बारिश के बाद काफी सर्दी पड़ गई है। इसकी दवा कन्हैया के पास। मतलब? मतलब कन्हैया आज पिस्ते बादाम में घुटी हुई भांग लाया है, अबे निकालता क्यों नहीं? ला नीलू भैया को एक लोटा दे। नहीं आज मैं भांग नहीं पीऊंगा। क्यों? दो दिन से घर नहीं गया। तुम आजकल बड़े रूखे रूखे से हो गए नीलू भैया। अच्छा तो ला पहले मुझे ही दे। लो नीलू भैया। मेरी धोती ले आया? तेरी भाभी क्या कर रही थी रे? जब तुम्हारे घर पहुंचा तो उस वक्त काफी बारिश हो रही थी, मुझे धोती देकर उसी बारिश में भाभी घाट की तरफ न जाने की तरफ गई। मैंने पूछा भी तो कोई जवाब नहीं दिया। इतनी रात घाट की तरफ गई? कन्हैया मुझे भी एक ग्लास दे। को धोती देने के बाद कहां गई थी? घाट पर। इतनी रात घाट पर क्यों? रसोई तैयार है, खा लो बाद में बताऊंगी। नहीं इसी वक्त सुनना चाहता हूं, बताओ क्यों गई थी? अगर ना बताऊं तो? बताना ही होगा, बताओ। पहले खाना खा लो। नहीं सुने बगैर तुम्हारे हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीऊंगा। क्या कहा? मेरे हाथ का छुआ पानी तक ना पियोगे? नहीं हरगिज नहीं। क्यों? शर्म नहीं आती? उल्टे पूछती हो क्यों? समझी, अब इस वक्त मैं और कुछ ना पूछूंगी और ना ही कुछ बताऊंगी। कल जब तुम्हें होश आएगा तब सब समझोगी। इस वक्त तुमने भांग पी रखी है। भांग आज मैंने कोई नहीं पी है जो होश खो बैठा हूँ, बल्कि तू होश खो बैठी है। मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहती है विराज। मैं बड़ा ही बेवकूफ हूँ, इसीलिए उस दिन पीताम्बर की किसी बात का यकीन नहीं किया।
नहीं तो तू क्यों नहीं बदला सकती? इतनी रात गए घाट पर क्यों गई थी? इसलिए नहीं बदलाना चाहती कि यह सुनकर तुम्हारी गर्दन शर्म से छुप जाएगी, तुम्हें दुख होगा और शायद तुम खाना भी ना खा सकोगी। लेकिन मेरा ये भय व्यर्थ है, तुम्हें लाज शर्म भी नहीं और तुम इंसान भी नहीं। विराज, अब आंखें दिखाते हो, साधु बने हो, अनाज का एक दाना नहीं और उस पर नौकरी ढूंढने का बहाना करके दो दिन तक इधर उधर का बजाकर घूरते चलाकर इतनी रात के नशे में घर लौटे। नशे में हूं तो तुमने मुझे मारा? हाँ, अच्छा किया। लक्ष्मी अभागिन, अपना ये काला मुंह मुझे आने दिखा, दूर आओ यहाँ से। पूरे दिन में भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन स्वामियों पर जो दोष तुमने मुझ पर लगाया है उसके बाद जीने की मेरी कोई इच्छा नहीं। मैं चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। रात गए तुम यहाँ? आदमी आई। हाय भैया, क्या कहती हो? जानती है सुंदरी, उन्होंने मुझे कल वही कहा, लक्ष्मी कहकर घर से निकाल दिया। अब मरने के सिवा मेरे लिए और रही क्या गया है? तुम क्यों मरने जाओ, मेरे साथ चलो। आओ तो सही। गंगू, इन्हें ऊपर ले आओ। लक्ष्मण, दत्तू, इन्हें संभाल कर ऊपर ले आओ। मालकिन को लाई हूँ, बेहोश पड़ी है, मलाल आ रहे हैं। शाबाश, जाओ इधर लाओ। इतने दिनों के बाद आज मेरी बेइज्जती का बदला पूरा हुआ है। ये लो अपना इनाम।
अच्छा आप जल्दी से बाजार खोलकर आधी रात गांव छोड़ दीजिए। अगर किसी को मालूम होगा तो हम दोनों आपस में फंस जाएंगे। अच्छा मैं जाती हूँ, दासी को भूलिएगा नहीं। भला मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ? गंगो जी सरकार, बिना शोरगुल किए बाजरा छोड़ दो। इसमें तूफान में सरकार? हाँ जो हुक्म मालिक। सुनो, बिना शोरगुल किए बाजरा खोल दो, देखो शोर ना हो। कौन ले आया? सुंदरी। कौन? किसने बात की? मुझे यहाँ से जाने दीजिए। कहाँ जाओगे? हम तुम्हारा गांव छोड़कर बहुत दूर चले आए। मैं जाऊंगी। जाओगी कहाँ? नाव चल रही। नहीं, मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं तो? तो फिर किससे बातें कर रही थी? बात कहाँ, माँ जी को तो पुकार रही थी। कल रात माँ जी मेरी चावल मांगने गई थी। तेरे यहाँ गई थी चावल मांगने? हाँ, कह रही थी तेरे बड़े बाबू 2 दिन बाद लौट रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं है, तू थोड़े से चावल दे दे, उससे काम भिरा! नहीं भिरा! भिरा!
बड़े बाबू, बड़े बाबू, सब साहब यहीं बैठे हैं। दिन चढ़ाया, दिन चढ़ाया। हाँ, तब तो विराज जरूर आ गई होगी, उसे तो मालूम है रात मैंने खाना नहीं खाया। विराज, विराज, विराज लौटा, विराज तू लौटा, विराज लगी। बाबू क्यों जग्गू, सब कुछ ठीक है ना? नहीं बाबू, उस घर में क्या हुआ? रात बड़े बाबू से झगड़ा करके बड़ी माँ जी घर से चली गई, अभी तक कुछ पता नहीं मिला। हो सकता है नदी में डूबकर। क्या कहते हो? हाँ बाबू, उसी के बाद बड़े बाबू पागल जैसे हो गए। चलो जल्दी चलो, जैन जी को देखा है। तुम सामान उतारो। अच्छा मालिक। भगवान लौटा दो, भगवान लौटा दो, उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। तुम क्या पत्थर के बने हो? दीदी ने दुखौली की वजह आत्महत्या कर ली है और अब भी हम गैर बने रहेंगे। अगर आत्महत्या की होती तो लाश अभी तक कब की नदी में ऊपर आ जाती? नहीं भी आ सकती है, शायद धारा में बह गई हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि सती लक्ष्मी के देह को गंगा मियां ने अपनी गोद में ले लिया हो। इसके अलावा खोज भी किसने की है? तुम जाके पता लगाओ ना। अंतर्यामी, तुम तो सब कुछ जानते हो। उसने जब दिल भर अपराध नहीं किया तो सारा पाप मेरे ही सिर पर। उसे स्वर्ग में जाने दो, उसने यह बहुत दुख उठाया, अब और उसे दुख ना दे, अब और उसे दुख ना। कौन? दे छोटी बहू, लेकिन विराज तो यहां नहीं, मुझसे रुक कर चलेगी। कुछ पता नहीं चला? नहीं, मछुओं को लेकर सारी नदी छान मारी, शायद नदी में डूबी नहीं। ये बात रह रहकर मेरे दिल में आती है मोहिनी कि सबके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मुझसे भैया की हालत नहीं देखी जाती। अच्छा, भाभी कहीं अपने मामा के घर नंदगांव तो नहीं चली गई? नहीं, दीदी अपनी आन पर मर मिटने वाली थी, उन्होंने जरूर नदी में डूब कर ही जान दी है। फिर भी तुम कहते हो तो किसी को भेज कर पता लगा लो, भगवान करे तुम्हारी बात सच निकले। जग्गू, जग्गू, जग्गू को मैंने तुलसी को बुलाने भेजा है, शायद वो कुछ जानती हो। क्यों, जग्गू से क्या काम था? वो आए तो उसे इस बाढ़ को तोड़ डालने के लिए कह देना। नहीं, मैं खुद ही तोड़ डालता हूं। ठीक है।
भीकू, ओ भीकू। हाँ छोटे बाबू। तेरी गाड़ी मिल सकती है? क्यों, कहाँ जाना है? कल रात से बड़ी भाभी घर पर नहीं, पता लगाना कहीं अपने मामा के घर नंदगांव तो नहीं चली गई। हाँ हाँ मिल सकती है। छोटे बाबू अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ कहो। सुबह घाट पर मल्लाह कुछ बातें कर रहे थे। क्या? वो कह रहे थे कि रात सुंदरी के साथ एक औरत बजरे में जूनी बैठी, बजरा चल पड़ा। किसके साथ? सुंदरी। सुंदरी। हाय दिया, मुझे पुलिस के हवाले मत करो, मैं सब बताती हूँ। मैंने तो सिर्फ बड़ी बहू को जिम्मेदार के बजरे तक पहुँचा दिया था, पर इससे मेरा कोई दोष नहीं। वो घर से झगड़ कर मेरे पास आई और बोली, सुंदरी जी चाहता है तेरी जबान नोच लूं। कमीनी, ये तूने किस जन्म के बैर का बदला लिया? घर जाकर देख बड़े भैया की क्या हालत हो गई। नीच, तुझे जिंदा जला देने से भी तेरे पापों का प्रायश्चित होगा। बड़े भैया खाना पक गया। खाना पक गया, लेकिन विराज था अभी तक नहीं लौटी, वो भी तो बिना खाए चली गई। वो पता लगाने गए हैं, आप चलिए। पीतू, कोई खबर मिली? चुप क्यों है? बोल, बोलता क्यों नहीं? भाभी मरी नहीं। मरी नहीं तो कहाँ है? बोल, मैं उसे अभी ले आऊं। सुंदरी कह रही थी कि कल रात भाभी घर से घाट की तरफ गई और सुंदरी ने उन्हें जिम्मेदार के बजरे। पीतू, मानसी, और अगर ये सच है तो दिन भी झूठ है, रात भी झूठ है, देवी देवता भी झूठ है। मैं ये कभी विश्वास नहीं करती, कभी नहीं कर सकती। नमो विश्वरूपा विश्वस्थितं कहे कहे विश्वेश्वरा विश्वा गोविंदा। प्रसीद परमेश्वर संसार सागरे मग्नं अस्पताल। मुझे यहाँ कौन ले आया? मछेरे तुमको यहाँ लाए, तुम नदी में डूब गए थे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं घर जाऊंगी। भैया रो मत बहन, रो मत। भाभी हम लोगों को छोड़ के क्यों चली गई भैया? चल अंदर चल, सब बताता हूँ। ये क्या छोटी भाभी, मैंने कहा था ना कि भैया के लिए आज मैं खाना पकाऊंगी, आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? अच्छा तुम ही, भैया की जो हालत है, अगर उनके खाने पीने का ठीक से ख्याल न रखा गया तो उनका बचना मुश्किल है।
मुझे तो ताजी था कि तुम लोगों के होते दिन की हालत कैसी हुई। ये उनके देह की नहीं मन की बीमारी है, इसके लिए छोटे भैया और तुम जिम्मेदार। आज छोटी बहू नजर नहीं आती। मैं यहाँ हूँ बड़े भैया। ये हटा ले, नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें सब खाना होगा, मैंने अपने हाथों से बनाई है। देखता हूँ तेरा बचपन अभी तक नहीं गया। अगली अब मेरी वो खुराक नहीं रही। मगर ना खाने से तुम्हारा ये शरीर कैसे टिकेगा? जरा अपनी सूरत तो देखो, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। भैया चलो हवा पानी बदलने के लिए किसी अच्छी जगह हो आए। तुम झूठ मूठ परेशान होती है पुन्नो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी एक ना मानूंगी, कल ही टिकट मंगवाने का बंदोबस्त करती हूँ, तुम्हें चलना ही होगा। अच्छा, जब तू इतना कह रही है तो चल सभी कहीं घूम आए, तुम लोग भी चलो ना छोटी बहू। नहीं बड़े भैया, मैं मकान छोड़कर नहीं जा सकती, आप ही लोग जाइए। क्यों छोटी बहू, क्यों नहीं जा सकती? छोटी भाभी अगर जाना नहीं चाहती। ये कैसे हो सकता है, हम लोग जाएं और वो लोग, क्यों नहीं जाना चाहती हो छोटी बहू? अगर दीदी किसी दिन वापस आए और खाली मकान देख कर लौट जाए। जी छोटी बहू, अगर तुम भी ऐसी पागलपन की बात कहो, ऐसे नादान बन जाओ, तो फिर मेरा क्या होगा? मैं नादान नहीं हूँ बड़े भैया, आप जो जी चाहे कहिए, लेकिन जब तक चांद और सूरज निकलते रहेंगे तब तक मैं किसी की बात पर विश्वास नहीं करूंगी। स्वामी के चरणों में मरने का वरदान लिया था उन्होंने आपसे, वो कभी झूठ नहीं हो सकता। जब तक जीती रहूंगी इसी आशा से उनकी राह देखूंगी। आप मुझे एक घर छोड़कर जाने के लिए मत कहिए बड़े भैया, मैं कहीं नहीं जा सकूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। भाऊजी भाऊजी जल्दी चलिए, सुंदरी को सांप ने काट लिया है। कब? थोड़ी देर पहले। जल्दी चलिए बड़े बाबू, मरने से पहले आपको देखने के लिए बेचैन। क्या हुआ रे केशव? सुंदरी को सांप ने काट लिया, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मरने से पहले बड़े बाबू को देखना चाहती है। नहीं नहीं बड़े भैया, उसके यहाँ नहीं जाएंगे। जी पीतू, ऐसा नहीं कहते, न्याय न्याय का विचार भगवान करते हैं, हमें किसी से घृणा न करना चाहिए। चलो केशव मैं चलता हूँ। बड़े बाबू नहीं आए। आते ही होंगे सुंदरी, केशव उन्हें बुलाने गया है। मेरे पास समय नहीं, मेरा दम घुटा जा रहा है। बड़े बाबू आ गए, बड़े बाबू आ गए। सुंदरी बड़े बाबू आ गए। ओझा को खबर भेजी है? ओझा से अब कुछ ना होगा, मुझे अपने चरणों की धूल दो बड़े बाबू। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, रुपये के लालच से मैं ही बड़ी बहू को जिम्मेदार के बदले तक ले गई थी, उनका कोई दोष ना था। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्या। मर गई बिचारी। डॉक्टर साहब अब तो मैं अच्छी हो गई हूँ, आप मुझे कब घर जाने देंगे? नहीं नहीं अभी तुम पूरी तरह अच्छी नहीं हुई, आठ दस दिन बाद घर जा सकोगे। Thank you.
बच्चे को दूध देकर आती हूँ, फिर आराम से बैठकर बातें करें। मेरे पति सदा ही मुझे बातों नहीं कहा करते, पर क्या करूं, मुझसे तो चुप होकर बैठा नहीं जाता। ये मेरी सूरत को क्या हो गया? अब ये मैं उन्हें कैसे दिखाऊंगी? अच्छा ही हुआ, रूप के लिए ही उन्होंने मुझ पर संदेह किया था। अच्छा ही हुआ। सिंदूर लगा चुकी बहन? हाँ, आज तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। तुम कहाँ जाओगी? राजनगर। उसके पास वाले गांव मदनगंज से तो हम आ रहे हैं। वहाँ मेरी बहन भी आई है, उसके लड़के के जन्मदिन पर हम वहाँ गए थे। वहाँ कुछ लोग राजनगर के भी आए हुए थे, उन्हीं के मुँह से सुना कि तुम्हारे राजनगर किसी नीलांबर चक्रवर्ती की बहू सारी औरत जाति के मुंह पर कालक पोत कर जिम्मेदार के साथ भाग गई। सारा गांव उसके नाम पर थू थू कर रहा है। क्या तुम जानती हो उसकी लक्ष्मी को? मेरी सुनती हो? जरा इधर आओ। आती हूँ। चादर कहाँ है? बच्चे को ओढ़ा दूँ। ये लो। अरे चली गई बहन। बहन मेरा कुछ नहीं। ये क्या भैया, कब से नाश्ता रख गई और तुम बैठे बैठे सोच रहे हो? आखिर भाभी के बारे में अब भी दिन रात क्यों सोचा करते हो? कौन कहता है मैं उसे दिन रात सोचा करता हूँ? कहेगा कौन, मैं खुद जानती हूँ। तू उसे याद नहीं करती? नहीं, उसे याद करने से पाप होता है। क्या होता है? पाप होता है, उसका नाम लेने से मुँह अपवित्र होता है। कभी ना कहना, वो तेरी बड़ी है, गुर्जन है, सिर्फ रिश्ते ही में नहीं बल्कि उन्होंने तुझे माँ की तरह पाला पोसा। दुनिया चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन तेरे मुंह से इसी बात का निकलना घोर अपराध है भैया। सब उसे दोषी ठहराते हैं, मैं कुछ कह नहीं पाता, लेकिन दुनिया की नजर में वो कितनी ही कलंकिनी क्यों ना हो, उसके खिलाफ मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन भाभी अब क्यों नहीं आती भैया? आने का उपाय नहीं, इसी से नहीं आती। जिस हालत में वो मुझे छोड़कर चली गई, अगर उसे लौटने की जरा भी राह मिलती वो जरूर लौटाती। आना चाहती है मगर आ नहीं पाती, ये कैसा दंड है तुम लोग देख नहीं पाते। लेकिन मैं आंखें बंद करते ही सब कुछ देख पाता। भगवान Thank you.
कौन सी अनमोल चीज धरी हुई है तो चोरी हो जाएगी। क्यों तुम जो हो छोड़ो ये चुम बोलो ना पानी पिलाओ। इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? क्या हुआ है तुम्हें? क्या नहीं हुआ? बुखार खांसी। कहाँ घर है तुम्हारा? मेरा कोई ठिकाना नहीं। पास ही गांव है, वहां क्यों नहीं चली जाती? इस आंधी पानी के दिनों में पेड़ के नीचे रहने से मर जाओगी। चरणों में सर रखकर तुम्हारी सूरत देखते देखते मेरे प्राण निकले। बोलो तुमने मुझे आशीर्वाद दिया। अच्छा। मैंने तो कोई दोष नहीं किया। मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं क्यों नहीं जा सकती? धरती की काया कांप गयो आकाश बिना दोष के सीता को जब राम दियो बनवास। सुनो सीता की कहानी के वो महलों की रानी छोड़ घर बार गई बनवास किसी ने कदर न जानी। सुनो सीता की कहानी के वो महलों की रानी छोड़ घर बार गई बनवास किसी ने कदर न जानी। डगर डगर भटके वनवासिन पग पग ठोकर खाए भूखी प्यासी फिरे वो वन में मन में पीर छुपाए पड़ गए छाले पाँव में दो नैन कमल मुरझाए। राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम पड़ गए छाले पाँव में दो नैन कमल मुरझाए नैन कमल मुरझाए। कैसे सुने कथा ये कोई कैसे कोई सुनाए राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम।
कैसे सुने कथा ये कोई कैसे कोई सुनाए छलक पड़े नैनन की गगरी छम छम बरसे पानी रे छम छम बरसे पानी सुनो सीता की कहानी के महलों की रानी चोर घर बनवास देखो दुनिया वालों सीता सती की प्रीत महान सती सीता की प्रीत महान जिसने दिया बनवास उसी के ही करती गुणगान उसी के ही करती गुणगान कहे प्रभु से कुछ मांगू तो मांगू ये वरदान राम सिया राम जय राम सिया राम राम सिया राम जय राम सिया राम कहे प्रभु से कुछ मांगू तो मांगू ये वरदान मांगू ये वरदान अपने पति के चरणों में ही निकले मेरे प्राण राम सिया राम सिया राम सिया राम अपने पति के चरणों में ही निकले मेरे प्राण राम सिया राम सिया राम सिया राम अपने पति के चरणों में ही निकले मेरे प्राण क्या तुम मुझे राजनगर ले जा सको बहन हम राजनगर तो नहीं जा रहे हैं मगर तुम जरा ठहरो आज मंडी का दिन है कोई ना कोई गाड़ी तुमको मिल ही जाएगी चलो भाई मैं नहीं पहुंच सकती तो फिर तुमने मुझे क्यों आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे चरणों में मर सकूंगी क्यों तुमने मुझे आशीर्वाद दिया रामायण में तो तुम्हारे प्राण बसते थे अब तुम्हें ये भी नहीं भाती मैंने तो पहले ही कहा था
कुछ दिनों के लिए बाहर घुमाते तो मन बहल जाता। हाँ वही ठीक होता, यहाँ रहकर तो विराज को कभी नहीं भुला सकता, इस घर की हर चीज उसकी याद दिलाती है। बरखा बंद हो चुकी है, जा सोच। भैया सोने से पहले एक खिड़की बंद कर लेना, कहीं रात को फिर बरखा ना आ जाए। पीतू छोटी बहू विराज विराज, कभी कोई दोष या पाप कर ही नहीं सकता। तुम मुझे घर से नहीं निकालोगे ना? मुझे और अपराधी ना बना विराज, ये तो तुम्हारा ही घर है। तुम्हारा घर नहीं, कौन तेरा घर? हाँ तेरा घर। मुझे आशीर्वाद दो कि जन्म जन्मांतर तक मैं तुम्हें को पाऊं। रोती है पुन्नु? मेरी मौत ही तुम्हें तो मेरी जिंदगी भगवान के कैसे न्याय तुम्हें पाक रहे? नहीं नहीं ऐसा नहीं कहते, भगवान कितने दयालु हैं, ये मुझसे बढ़कर और कोई नहीं जानता।
मेरी सबसे बड़ी इच्छा मेरे प्राण मेरे स्वामी के चरणों में निकले, भगवान ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी, अब मुझे कोई दुख नहीं, अब मुझे कोई